नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नया डर सताने लगा है, तो क्या यह तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो NPS शेयर कटने का सताने लगा डर, बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल न होने से कर्मचारी टेंशन में। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल नहीं हो पाई है और इसके साथ ही कर्मचारियों को अब इस महीने भी NPS शेयर कटने का डर सता रहा है। दरअसल बिजली बोर्ड में वेतन 20 मई के बाद बनना शुरू हो जाएगा और इसके लिए अब 4 दिन ही बाकी हैं। इन 4 दिन में ओल्ड पेंशन बहाली का फरमान जारी नहीं हुआ तो बिजली बोर्ड कर्मचारियों का मई महीने का शेयर भी NPS में ही जाएगा, जबकि राज्य सरकार तमाम विभागों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली का ऐलान पहले ही कर चुकी है और इस दिशा में कर्मचारी विभाग अध्यक्षों के पास ओल्ड पेंशन के विकल्प के संबंध में शब्द पत्र भी जमा करवा रहे हैं। बता दें कि NPS में कर्मचारियों का शेयर भी रोक दिया गया है। दूसरी ओर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की फाइल वित्त विभाग, ऊर्जा सचिव और बिजली बोर्ड निदेशक के बीच ही घूम रही है। ओल्ड पेंशन बहाली में देरी से आहत बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करने का फैसला किया है। कर्मचारियों का कहना है कि अप्रैल महीने में भी कर्मचारियों का NPS शेयर काटा गया था, अब एक बार फिर ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं। कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को 20 मई तक की मोहलत दी है। इस दौरान OPS बहाल नहीं हुई तो कर्मचारी महासंघ आगामी रणनीति के तहत कठोर कदम उठाएगा। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की जाएगी। तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड कर्मचारियों का इस महीने भी NPS शेयर कटने का डर सताने लगा है। तो बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल न होने से ये कर्मचारी टेंशन में है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।